तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बड़े होंगे। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईक्यू नियो 9 प्रो और वन प्लस 12 आर के बारे में। काफ़ी तगड़ी बैटल दोनों में होने वाली है, क्योंकि एक थोड़ा कम प्राइस में काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन लेके आता है, दूसरा वन प्लस 12 आर जो है वो तो 40,000 के अराउंड है, तो अपने में काफ़ी बेस्ट प्राइस लेके आता है। लेकिन दोनों में कौन सा फ़ोन आपको बेटर देखने को मिलता है, किसका कैमरा बेटर है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है, और आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए किस कैटेगरी में? अगर आपका कैमरा प्रेफरेंस रहता है या आप गेम ज़्यादा खेलते हैं तो कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। उनका दोनों का प्राइसिंग कमाल का रहने वाला है, और जिस कमाल के प्राइस पे लॉन्च होते हैं परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा दोनों ही फ़ोनों का देखने को मिल जाता है। इस वीडियो को देखकर आप डिसीजन ले पाएंगे कि अपने को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो दोनों ही फ़ोनों का काफ़ी तगड़ा भाई डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है। वही अगर बात करते हैं वन प्लस 12 आर के बारे में, तो इसका वही पुराना डिज़ाइन जो हमको वन प्लस 11 आर में देखने को मिलता है, सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलता है, बैक में ग्लास बैक देखने को मिलता है, तो लुक वाइज ये काफ़ी सॉलिड फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपको फ़ोन में कोई भी लुक वाइज कमी देखने को नहीं मिलती है। बात कर लेते हैं तो आईक्यू नियो 9 प्रो के बारे में, तो इसका डिज़ाइन भाई मुझे पर्सनली बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि इसका डुअल टोन में बेगन लेदर काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, वही इसमें आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर कैमरा कटआउट हर चीज़ के बारे में देखते हैं तो हमको ये पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखते हैं तो आपको वन प्लस 12 आर ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ग्लास बैक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं काफ़ी बेटर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है वन प्लस 12 आर लुक वाइज। लेकिन पर्सनली जो मुझे देखने में अच्छा लगता है, आईक्यू नियो 9 काफ़ी प्यारा देखने को मिल जाता है। तो जो ये डिज़ाइन वाली बात होती है तो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, इसमें आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कौन सा फ़ोन ख़राब है कौन सा फ़ोन अच्छा है। पर्सनली जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा है भाई। अब दूसरा पॉइंट निकल के आता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा आपको वन प्लस 12 आर का देखने को मिल जाता है, 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिल जाता है, एल टी पी ओ 4.0 वाला पैनल देखने को मिल जाता है। तो ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज ऑटो स्विच जो जैसा आपको ज़रूरत होगा उसी प्रकार से यह आपका ऑप्टिमाइज कर लेगा। तो यहाँ आपको डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, जिसमें एच डी आर प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डॉल्बी विजन सपोर्ट आता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, तो आपको मल्टी मीटर एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है, और आपको यूट्यूब नेटफ्लिक्स हर जगह आपको इनेबल देखने को मिल जाएगा एच डी आर कॉन्टेंट, तो आप बहुत अच्छे से मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस इसके साथ कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं आईक्यू नियो 9 प्रो के बारे में, तो इसका डिस्प्ले आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है, और वन प्लस 12 आर का डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाता है। तो कर्व डिस्प्ले किसी को पसंद, किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, लेकिन एज अ गेमर देखें तो आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले ही लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है, अनएडवांटेज टचेज नहीं होते हैं, तो आप गेमिंग में एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। वही इसमें भी आपको 6.78 इंच का एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 144 हर्ट्ज के साथ आता है, और इसमें भी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला ही पैनल देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले इसका भी काफ़ी बेटर है। एच डी आर 10+ का सपोर्ट आता है, और इसमें आपको 144 हर्ट्ज निकल के आता है, तो गेमिंग में आपको और भी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है आईक्यू नियो 9 प्रो। तो आप अगर डिस्प्ले और दोनों में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले अगर देखते हैं तो दोनों का एक फ्लैट है एक कर्व है, बाकी अगर स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो दोनों का डिस्प्ले भाई काफ़ी तगड़ा है, दोनों में स्टीरियो स्पीकर आते हैं, दोनों के स्पीकर काफ़ी लाउड है, तो दोनों ही डिस्प्ले अपने अपने में काफ़ी बेटर हैं। अगर मुझे पर्सनल देखने हैं तो एज अ गेमर देखता हूँ तो आपको आईक्यू नियो 9 प्रो लेना चाहिए, अगर आप ज़्यादा मल्टी मीडिया कंज्यूम करते हैं तो आप लोगों को वन प्लस 12 आर लेना चाहिए। अब आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बाकी मेरा काम था मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोनों का परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दोनों के काफ़ी तगड़े आ। तो पहले हम बात कर लेते हैं वन प्लस 12 आर के बारे में, तो हमको वन प्लस 12 आर में जो वही 8 Zen 2 देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन, तो परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 15 लाख से ऊपर का तो स्कोर देखने को मिल जाता है, तो भाई अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका भाई परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, 90 FPS की BGM हमें गेमिंग अनलॉक करके देता है स्मूथ पे। अगर इसके थर्मल्स के बारे में बात करते हैं तो पूरा ग्रेन ग्राफ देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है, तो आप इससे काफ़ी तगड़ी गेमिंग करा सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हमको बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं कि इसमें आपको FPS ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर आप 2-3 गेम खेलते हैं उसके बाद आपको FPS ड्रॉप देखने को मिल जाता है, तो इस इशू को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सही किया जा सकता है। तो भैया एज अ फीडबैक वन प्लस 12 आर इसको जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए,
वहीं अब बात कर लेते हैं इसका तगड़ा दावेदार के बारे में, आईकू न्यू 9 प्रो के बारे में। तो इसमें आपको दो चिप देखने को मिलता है, एक V2 चिप देखने को मिल जाता है, जो आपके गेमिंग को और भी ज़्यादा इन्हांस करके बेटर FPS देता है। जी, अगर आप गेमिंग मोड ऑन करते हैं तो आपको 120 FPS तक की गेमिंग कराने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है, और एक चिप और होने के नाते तो आपको गेमिंग में और भी ज़्यादा ये वेल ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाता है। अगर एज अ गेमर देखते हैं तो आपको लेना चाहिए भाई आईकॉन यो 9 प्रो, क्योंकि इसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेटर है, 16 लाख के ऊपर है का हमेशा अंतुतु स्कोर रहता है। तो आप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि आपको OnePlus 12R का सेम प्रोसेसर है तो इसकी टक्कर ले पाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं टच कर पाएगा। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है देखने को मिल जाती है, तो 90 FPS तक की गेमिंग अनलॉक करके देता है ये भी BGMI में। बाकी HDR स्टीम सब कुछ पे खेल सकते हैं, काफ़ी तगड़े से गेम प्ले कर सकते हैं। वहीं अगर परफॉर्मेंस के साथ बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको OnePlus 12R में पर 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ में 100 वाट का सुपर वूक चार्जर देखने को मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड दोनों की ठीक है। अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, तो 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ आपको ये फ़ोन निकाल के दे देता है, लेकिन आपको आईकू नियो 9 प्रो में 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको अगर गेमिंग में दोनों का अगर कंपेरिजन करते हैं बगल टू बगल रख के, तो आपको देखेंगे साला थोड़ा और भी ऑप्टिमाइज है बैटरी के मामले में। आईकू नियो 9 प्रो कम एमएज होने के नाते भी ये काफ़ी बेटर बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है। तो ऐसा ये सोचिए ना, अपने दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना कि इसमें ज़्यादा एमएज की बैटरी है तो ये ज़्यादा लंबे समय तक हम इसमें खेल पाएंगे गेम, वो ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा, नहीं भाई। आप ये देखिए कौन से फोन में ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो आपको आईकू नियो 9 प्रो भी काफ़ी तगड़ा, और यहाँ पे 120 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो उससे काफ़ी फास्ट चार्ज करके दे देता है। अगर OnePlus 12R को फुल होने में 35 से 40 मिनट लगता है, तो आपको यहाँ पे भाई भैया वही 30 मिनट में फुल करके दे देगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें चार्जिंग स्पीड का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन अब दोनों ही फोन आपको डिसअपॉइंट करते हैं कैमरास के मामले, क्योंकि OnePlus 12R ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इनमें भाई 2 MP वाला झोल दे देगा। आप 40,000 रुपये पे कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक पेरिस्कोप लेंस तो होना चाहिए था, एक जूम लेंस डाल देते, पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, जैसे वीवो V29 सीरीज में था, और भी जो अभी लेटेस्ट सीरीज आई है रियलमी की 12 सीरीज उसमें भी है। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आप 40,000 रुपये का फ़ोन निकालते हैं तो ये सब सेंसर दे सकते हैं। बाकी अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो 50 MP का मेन सेंसर सोनी का IMX830 देखने को मिल जाता है। सेंसर काफ़ी अच्छा यूज हुआ है, आपको कैमरा के मामले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा सेंसर आपको 8 MP और अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 2 MP का माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग, और फ्रंट में आपको 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, और वहाँ पे आपको वो केवल फुल HD 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। तो इसका कैमरा सेटअप से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको एक सेंसर डाल देना चाहिए था, और जो हमको दोनों ही फोन में मिसिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर हम आईकू नियो 9 प्रो के बारे में बात करते हैं, तो हाँ केवल भाई डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक पहला सेंसर जो है 50 MP का, वो भी सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर पाएंगे आईकू नियो 9 प्रो में। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छा वीडियोग्राफी में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर क्वालिटीज़ के मामले में बात करते हैं, तो अगर दोनों का कैमरा किसका बेटर है तो बताएं। अगर फोटोज़ के मामले में देखते हैं, तो आईकू नियो 9 प्रो क्लियर बिटर निकल के आता है इससे OnePlus 12R से, क्योंकि फोटोज इसके ज़्यादा शार्पनेस में अच्छे और इनमें क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होती है, डिटेलिंग भी ठीक ठाक निकाल के दे देता है। वहीं अगर बात करते हैं 12R के बारे में, तो ये आपको वीडियो कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी निकाल के दे देगा है। आईकू नियो 9 से स्लाइटली बेटर हमको देखने को मिल जाता है OnePlus 12R। तो एक फोटोज के बारे में अच्छा है, एक वीडियोज के मामले में अच्छा है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग कौन सा फोन लेना चाहिए। बाकी अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, तो OnePlus 12R आप वही ऑक्सीजन OS के साथ आता है, आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिल जाता है, जिस तो 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं आईकू नियो 9 प्रो के बारे में, तो वो भी आपने वही फ्रंट टच OS के साथ आता है, और आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिल जाता है, 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। अब आपको कौन सा UI पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। बट हाँ, जो OnePlus 12R है उसमें ब्लॉटवेयर कम देखने को मिल जाता है, और
आईकू जो 9 प्रो में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे तो उससे आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। वही अब बात लास्ट बात आती है कंक्लूजन के बारे में। अगर आपको गेमिंग कैमरा देखना है तो आपको आईकू न्यू 9 प्रो कम पैसे में काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको एक ब्रांड वैल्यू चाहिए जिसमें आपको लुक वाइज थोड़ा ठीक ठाक फ़ोन चाहिए। काफ़ी सॉलिड फ़ोन है, मेटेलिक फ्रेम है और इस पर स्क्रीन काफ़ी बेटर देखने को मिलती है, तो आप वन प्लस 12R को बाई कर सकते हैं 40,000 रुपये दे के। लेकिन अगर आपका कम बजट है, 30,000 है, तो 35,000 कर सकते हैं, तो आप आईफोन जो 9 प्रो ले सकते हैं। गेमर एज अ गेमर तो आपको भाई इससे तगड़ा फोन कोई है ही नहीं इस रेंज में। तो यही लास्ट कंक्लूजन पार्ट था। बाकी हमारे जो वीडियो का विनर है आईफोन जो 9 प्रो है, काफ़ी तगड़े तगड़े से बैटल किया है दोनों फोन। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।